डूंगरपुर जिसे पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है, इसके पीछे एक वजह डूंगरपुर का धर्माता पहाड़ भी है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि धर्माता पहाड़ से पूरे डूंगरपुर का नजारा दिखता है। धर्माता पहाड़ डूंगरपुर शहर समेत आसपास के 15 से 20 गांव नजर आते हैं। वायसे में धर्माता पहाड़ से डूंगरपुर का अद्भुत व खूबसूरत नजारा देख नहीं बनता है। आमतौर पर लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर आसमान से नीचे की दुनिया का नजारा उठाते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठकर आसमान से नजारा देखने के लिए पैसे भी चुकाना पड़ता है, लेकिन डूंगरपुर का धर्माता पहाड़ आपको बिना एक रुपया खर्च किए पूरे डूंगरपुर का नजारा देख सकते हैं। इसे देखने के लिए आपको पुराना शहर के घाटी मोहल्ले से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बाइक व कार लेकर भी जाया जा सकता है। वहीं धर्माता शहरवासी जाते हैं और सनराइज व सनसेट का आनंद लेते हैं। धर्माता लोगों के साथ पेंथरों की भी मनपसंद जगह है। शाम समय कई बार पेंथर यहाँ घूमते हुए दिखाई देते हैं। वहीं धर्माता के ऊपर से डूंगरपुर देखने पर भारत का पूरा नक्शे की तरह दिखाई पड़ता है। उसमें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिखता है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका भी दिखाई पड़ता है। इस पहाड़ को धर्माता के नाम से जाने के पीछे वजह है डूंगरपुर के भीलों के राजा डूंगर बरंडा। डूंगर बरंडा की दो पत्नियां हुआ करती थी, काली माता व धर्माता। युद्ध में जब उसे मेवाड़ के राजाओं ने भील के सरदार डूंगर बरंडा को हराया, डूंगर बरंडा के जाने के बाद तत्कालीन डूंगरपुर के राजा ने इस पहाड़ को उनकी पत्नी धर्माता के नाम से पहाड़ बनाया। तब से इस पहाड़ को धर्माता के नाम से जाना जाता है। वही धर्माता के सामने एक और पहाड़ है जिस पर राजा डूंगर बरंडा की याद में एक छतरी बनाई गई है।